आज मैं आप लोगों के साथ व्रत में खाने वाले फलाहारी बर्फी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही कम समय में बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे हेल्दी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं, जो हम आसानी से व्रत में खा सकते हैं। तो आज मैं मखाने की बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अब वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि बर्फी की रेसिपी कैसी लगी आपको। प्रोसेस से मैंने भुने हुए चने के लड्डू की रेसिपी शेयर किए थे, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दिया है। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किया था उसे हल्का दरदरा कर पाउडर बना लेंगे ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। अब हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके का एक तार का चाशनी बनाएंगे, घी इसी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा चाशनी बनके तैयार हो गया है, एक तार की चाशनी। अब हम इसमें बारी बारी से सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। देखिए इस तरीके से हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, कितना बढ़िया टेक्सचर हुआ है इसका। अब इसमें हम मखाने का सत्तू ऐड करेंगे। अंजीर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप व्रत में भी खा सकते हैं या नॉर्मल डे में भी आप खा सकते हैं इसे। बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मैंने केक टिन को घी से ग्रीस कर लिया है, आप चाहें तो थाली में भी इसे रख सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से फैला लेंगे कि कितना बढ़िया दिख रहा है ये, गुड़ में बना है। इस तरीके से हम अच्छे से इसे फैला लेंगे। मैंने इसे गुड़ में बनाया है, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए गुड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा दिखता है। देखिए अब हम इस पर बचा हुआ
जो ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्राइंड करके रखा था उसे इस पे ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम इसे पूरे पे फैला देंगे और इसे चम्मच की हेल्प से इसे ऐसे अच्छे से हम दबा देंगे। देखिए इस तरीके से हम बादाम से इसे सजाएंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सजा लिया है। आधे घंटे के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। अगर आपको इंस्टेंट यूज करना है तो आप फ्रीजर में 10 मिनट के लिए डाल सकते हैं, वरना आधे घंटे में ये सेट हो जाएगा। देखिए सेट हो गया है आधे घंटे में। अब मैंने इसे बर्फ़ी के शेप में काट लिया है। आप चाहें तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से हम कोई भी शेप दे के इसे कट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है ये। मैंने इसमें दूध या मावा ऐड नहीं किया है, इसलिए आप इसे कम से कम महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं इसे। ये रेसिपी बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।